अरूप शहर तीव्र गति ट्रक ने जीजा साले को रौंदा, जीजा की हुई मौके पर मौत। घायल साले को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। नगर अरूप शहर में शाम को बड़ा सड़क हादसा हो गया। नदी पुल पर मोड़ पर पीछे से मोटरसाइकिल को ट्रक ने पूरी तरीके से घसीटा, जिससे भाजपा नेता योगेश शर्मा निवासी मौजपुर थाना अरूप शहर मोटरसाइकिल सवार पिता वीरपाल शर्मा उम्र 65 साल एवं मामा हकीम शर्मा संभल की ओर से अरूप शहर होते हुए अपने गांव मौजपुर की तरफ जा रहे थे। अचानक गंगा नदी पुल मोड़ पर पीछे से तीव्र गति से ट्रक ने बाइक सवारों को घसीट दिया। योगेश शर्मा के पिता वीरपाल शर्मा ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वीरपाल शर्मा एवं हकीम शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने वीरपाल शर्मा को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद हकीम शर्मा को हायर सेंटर रेफर कर दिया। क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा सूचना मिलते ही सीएससी पहुंचे। भाजपा नेता योगेश शर्मा के परिवार को सांत्वना दी और घटना की जानकारी दी। पुलिस प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि घटना संज्ञान में है। आरोपी ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। परिवार में मौत की खबर मिलते ही रो रोकर बुरा हाल है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन बुलंदशहर से संवाददाता रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट।